जहां एक तरफ श्रीलंका पे पेरिस क्लब ने खोला खजाना, तो अब पाकिस्तान भी दौड़ा पेरिस क्लब के पास। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या चीन और भारत मानेंगे? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भागे पाकिस्तान के राजदूत, अफरा तफरी सी मच गई है। क्या मार मार कर भगा रहा है तालिबान? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका की किस तरीके की हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। महंगाई दर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार इसे कंट्रोल कर नहीं पा रही है। चीन से कई बार कहा श्रीलंका ने कि लोन को रीस्ट्रक्चर करो, लेकिन चाइना लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने जहां पाकिस्तान के लिए खजाना खोलने की बात कही है, हालांकि अभी तक पैसा पाकिस्तान को भी नहीं दिया है, पर उसे ये कहा है कि हम $9 बिलियन का निवेश करेंगे। पर श्रीलंका के लिए चीन ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब इसकी वजह से खुद श्रीलंका के अंदर चाइना के विरोध में भी बातचीत शुरू हो गई है, प्रदर्शन शुरू हो गया है। चाइना गो होम, चाइना यहाँ से जाओ, इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि श्रीलंका के लोग अब ये मानते हैं कि आप अपने आप को दावा करते हो हमारा दोस्त होने का, तो ऐसे मौके पर जब हमें कर्ज में छूट चाहिए तब आप हमें कर्ज में छूट नहीं दे रहे हो, तो फिर दोस्ती किस वास्ते। भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, ऐसे समय में जब ये तय हो गया था कि श्रीलंका कोलैप्स करेगा। अब आखिरी उम्मीद बची हुई है, बड़े लेवल की बात करें तो वो उम्मीद बची हुई है आईएमएफ से। अकेला भारत भी कुछ नहीं कर सकता है। आईएमएफ के पास जब श्रीलंका पहुंचा तो आईएमएफ ने कहा ठीक है, अगर हम कर्ज दे भी देते हैं तुम्हें तो तुम इस हालत में हो नहीं कि हमारा कर्जा लौटा सको, फिर हम तुम्हें कर्ज दें कैसे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तुम्हारा घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आर्थिक हालत में तुरंत सुधार के कोई लक्षण तो दिख नहीं रहे हैं। अगर मैं अभी पैसा देता हूँ तो तुम्हें कम से कम लगेंगे 10 साल मुझे ये पैसा रिटर्न करने में। क्या मेरे पास जो पैसा है उस पैसे के लिए दुनिया के धनी देशों का जो समूह है पेरिस क्लब तैयार होगा तभी तो हम ये पैसा देंगे आपको। $2.9 बिलियन का कर्जा देने की बात है और IMF ने ये बात कही कि अगर पेरिस क्लब ये कहता है कि हाँ ये पैसा दे दो और जिन शर्तों पर कहता है तभी हम तुम्हें पैसा देंगे। पेरिस क्लब है क्या? तो दुनिया के जो धनी देश है ना, इन धनी देशों का समूह है पेरिस क्लब। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेरिस क्लब का मेंबर न तो चाइना है और न ही भारत है। पर जब ये पेरिस क्लब के साथ बैठक हुई तो पेरिस क्लब ने कहा कि ठीक है, हम श्रीलंका को $2.9 बिलियन कर्जा देने के लिए आईएमएफ को कहते हैं, लेकिन 10 साल तक हम इनसे न तो कर्जा मांगेंगे वापस और न ही ब्याज मांगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद फिर 15 साल का हम समय देंगे। इस समय इन्हें सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब तो काफी कुछ आसान हो गया और आसान होने की वजह से श्रीलंका के लिए भी मुश्किलें आसान होने लगी। पर समस्या ये है कि पेरिस क्लब ने ये फैसला तो ले लिया है, पर चीन और भारत से अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा है और श्रीलंका में असली खिलाड़ी चीन और भारत ही है। चीन और भारत का 50% कर्जा है श्रीलंका के ऊपर, इसलिए इस मामले में ये दोनों बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब जैसे ही श्रीलंका के हाथों में दिखने लगा कि हाँ आईएमएफ इसे पैसा दे सकता है और यहाँ पर श्रीलंका बच सकता है, पाकिस्तान की भी बाँछें खिल गई और पाकिस्तान को लगा यही मौका है, हम भी भुना लेते हैं। वैसे आपको बता दें, कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान ये कहता था कि पेरिस क्लब ठीक नहीं है, पेरिस क्लब को तोड़ो और फिर से पेरिस क्लब बनाओ। ये जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं ना, ये मैप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है पेरिस क्लब के मेंबर्स को। इसमें है ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसे तोड़ने की बात कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि जो इसके 22 परमानेंट मेंबर हैं, इसमें उसे अपना साथी चाइना नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही श्रीलंका को कर्जा मिला है वैसे ही पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया है और इन्होंने कहा है कि नहीं, पेरिस क्लब का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, हम तो इसी में खुश हैं, बस ये भी हमारे लिए कुछ कर दें। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मूडीज ने गिराकर B3 से CAA1 कर दिया है, जिसके बाद से पहले से ही यहाँ से निवेशक निकल रहे हैं। निवेश होने की संभावना तो दिख नहीं रही है और ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर पेरिस क्लब का बकाया है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 22 खरब पाकिस्तानी रुपया। और ये कह रहा है पेरिस क्लब से कि आप ऐसा कीजिए कि एक बार फिर से इसको देखिए, पुनर्निर्धारण कीजिए। हालांकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जैसे ही ये बात कही है वैसे ही पेरिस क्लब की तरफ से झटका दिया गया है। इस झटके के बाद पाकिस्तान ने ये कहा है कि ठीक है, हम देख लेंगे, जो कर्जा हमें आपको चुकाना है हम कोशिश करेंगे कि इस कर्जे को चुका दें। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ गई है पेरिस क्लब की तरफ से। तो वहीं सबसे बड़ी समस्या तो पाकिस्तान के पड़ोस में खड़ा हो गया है। कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, वही चीज हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया है। पाकिस्तान के दरअसल इन दिनों बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। इसका ताजा प्रमाण देखिए, जो तालिबान का रक्षा मंत्री है मुल्ला याकूब, ये इस वक्त कहाँ पे है, ये पहुंच जाता है UAE और ये UAE से बात कर रहा है, UAE के साथ तालमेल बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि UAE तालिबान को मान्यता दे दे। अब पाकिस्तान बिचौलिए के रूप में कहीं भी नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान की जो मंत्री है उससे मिलने से भी इनकार कर दिया और कहीं न कहीं पाकिस्तानी राजदूत पर निशाना लगाना, ये पाकिस्तान ने जो धोखा दिया है उसका जवाब था। अब जैसे ही पाकिस्तानी राजदूत बच तो गया है पर ये वहाँ से सिर पर पैर रखकर भागा है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा कि नहीं, वो भागे नहीं हैं, बल्कि वो आए हैं, पहले से ही तय था कि उनको पाकिस्तान आना है, यहाँ सलाम मिसरा करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ दिनों बाद काबुल लौट जाएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ से जल्दी से निकल भागे हैं और उसके साथ साथ और भी कर्मियों को निकालने की बात चल रही है। पाकिस्तान अपना दूतावास वहाँ पर पूरी तरीके से खाली करेगा, इसके लिए भी बात चल रही है। यानी पाकिस्तान जो ये सोचता था कि अफगानिस्तान में हम आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को काउंटर करेंगे, वो अब उसे ही खाने लगा है। वैसे आपको बता दें, मजे की बात ये है कि पहली बार इस्लामाबाद में जो विदेश मंत्रालय है उसने ये कहा कि आतंकवाद अच्छा नहीं है, ये शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। हंसी आती है पाकिस्तान की इस बात पर, जो खुद दुनिया भर को परेशान करता रहा है, आज वो परेशान हो रहा है खुद। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।